दोस्तों ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए होगी, इसलिए कृपया इस दिल पर ना लें, केवल आपके मनोरंजन के लिए ही देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस फिल्म में देखिए, यहाँ पर अच्छे दिख रहा है कि ट्रक दोनों गाड़ियों को साइड से टक्कर मारता है, परंतु मजे की बात तो देखो, लाल वाली गाड़ी को टक्कर तो साइड से बचती है परंतु टूट इसकी छत जाती है। भाई साहब, गाड़ी की छत को तो ट्रक ने टच भी नहीं किया, तो फिर इस गाड़ी की छत कैसे टूट गई? जबकि नीली वाली गाड़ी को भी सेम जगह से टक्कर लगी होती है, तो फिर इस गाड़ी की छत क्यों नहीं टूटी? दोस्तों इसी सीन में देखिए, यहाँ पर अच्छे दिख रहा है कि ट्रक इतनी आग में से निकलकर इन दोनों गाड़ियों को इतनी जोर से टक्कर मारता है, परंतु मजे की बात तो देखो, इतनी जोर से टक्कर लगने के बावजूद भी ट्रक का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा होता। जहाँ तक ट्रक की इतनी जोर से टक्कर लगने के बावजूद भी एक हेडलाइट तक नहीं टूटी होती, जहाँ पर ट्रक तो ऐसे चल रहा होता है जैसे इधर कुछ हुआ ही ना हो। माल है भाई, सब गोलमाल है। दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर अच्छे दिख रहा है कि ये बाइक वाला ट्रक से इतना आगे निकल चुका होता है, परंतु अगली पल जैसे ही कैमरा इस सीन को एंगल चेंज करके दिखाता है, तब तो वो यहाँ पर ये बाइक वाले भाई साहब ट्रक के भी आसपास भी नहीं पहुंचे होते, जबकि पहले के सीन में तो अच्छे दिख रहा था कि भाई साहब ट्रक के बिल्कुल साथ में ही आ गए थे। तो इस सीन में कैमरे का एंगल चेंज होते ये भाई साहब फिर से पीछे कैसे चले गए, कब चले गए? दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर पुलिस वाली मैडम ट्रक को रोकने के लिए उस पर गोलियां चला रही होती है। अरे मैडम, अगर ट्रक को रोकना ही है तो आगे गोली मारने की बजाय ट्रक के टायर के ऊपर निशाना लगाओ ना। वैसे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो पीछे पुलिस वालों की एक और कार आ रही होती है, अगर ये मैडम यहाँ पर टायर पर निशाना नहीं लगा सकती तो पीछे वाली गाड़ी तो लगा ही सकती है ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर अजय देवगन ट्रक की खिड़की खोलते हैं और जहाँ पर जो इनके पीछे बाइक वाले आ रहे होते हैं वो भी अजय देवगन को खिड़की खोलते हुए देख लेते हैं। अगर भाई साहब इन्होंने अजय देवगन को खिड़की खोलते हुए देख ही लिया था तो फिर इस भाई साहब ने यहाँ पर आकर ब्रेक क्यों लगाई? बाइक ब्रेक लगाए बिना ट्रक की खिड़की के नीचे से आराम से निकल सकती थी ना। परंतु यहाँ पर मुझे इस सीन को देख कर लगता है कि ये भाई साहब अपने पीछे बैठे बंदे को मरवाना चाहते थे। क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर दोनों सेम गाड़ियों का एक साथ एक्सीडेंट होता है, परंतु इधर मजे की बात तो देखो, यहाँ पर एक गाड़ी तो पूरी बच जाती है और दूसरी गाड़ी इसके बीच में ही समा जाती है। नहीं नहीं सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दोस्तों इस सीन में देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि गाड़ियां तो इतनी ऊपर उछल जाती है, परंतु इधर जो पास में इतने सारे लोग खड़े होते हैं उन पर तो भाई दिमाग का बिल्कुल भी असर नहीं होता, वो तो आराम से यहाँ पर इधर चल फिर रहे होते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी और एंटरटेनिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।